हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक प्रो इंडिया पर सभी का स्वागत है। मैं नंदन। तो हाजिर एक और बहुत ही कमाल का जबरदस्त वीडियो के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैं आपको बताने वाला हूँ वीवो का जो जेड सीरीज है उसमें एक फ़ोन लॉन्च होने वाला है अभी जनवरी से पहले। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाली है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ जो वीवो जेड 5 आई है वो लॉन्च कब होगा, उसका कुछ इसके बारे में बात करेंगे, उसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो का इंटर देखते रहिए। मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, क्या क्या आपको फीचर्स उसमें मिलने वाला है, क्या प्राइस रहने वाला है, कब तक उसको आपको आपके पास मिल सकता है, आप इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, तो वीवो ने अभी जेड सीरीज बहुत पहले लॉन्च कर दिया। जैसे कि आपको पता होगा वीवो 1 आया था एक बार, और वीवो जेड सीरीज में बहुत सारे मोबाइल है। वीवो जेड 1 आया था एक बार, जो आपको कोने में कैमरा मिलता था, और ये उसी सीरीज में के ये वीवो जेड 5 आई है। इसका एक और जेड 5 जो लॉन्च हो चुका है पहले इंडिया में, उसका ये जेड 5 आई है लॉन्च नए अपडेट वगैरह में। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी सबसे पहले तो हम इसकी प्राइस की रेट की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अभी चाइना में लॉन्च हो चुका है अभी ये फ़ोन। तो इसकी प्राइस रेट है चाइना में, जैसे कि यहाँ पे इंडिया में इंडियन रुपीज़ चलता है, तो वहाँ पर यानी चलता है, यानी आपको पता होगा, नहीं पता मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर यानी बोला जाता है पैसे को। तो वहाँ का पैसे का 1798 यानी है, और इसको इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 18,300 रुपये करीब बनता है इस मोबाइल का प्राइस इंडिया में। तो इसी के आसपास में आपको ये फ़ोन मिलेगा 18,000 करीब में। तो इसकी कुछ और भी बातें बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये तो रही प्राइस की बात। अगर इसकी हम बैटरी बैकअप भी बात कर लेते हैं, तो बैटरी आपको इसमें 5000 एमएएच की बैटरी मिल जाती है, और इसमें 18 वाट का फास्ट चार्जर आपको सपोर्ट करता है ये, जिससे आप फास्ट चार्जिंग थोड़ा कर सकते हैं, बढ़िया से थोड़ा जल्दी हो जाएगा, उतना भी नहीं। लेकिन जैसे कि अभी नए नए फ़ोनों में 50 वाट का चार्जर आ रहा है, जिसमें 18 वाट का चार्जर है। तो फ्रेंड्स, 18,000 रुपये का मोबाइल में 18 वाट का चार्जर दे रहा है, सही है। तो फ्रेंड्स, इसकी और बात कर लेते हैं, इसकी रैम वगैरह की बात कर लेते हैं। इसमें आपको 18,300 रुपये में आपको मिल जाता है 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज। और इसकी ये तो हो गई और इसमें आप 256 GB का मेमोरी कार्ड घुसेड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे देख सकते हैं, इसमें आपको दो कलर आपको मिलने वाला है, जो कि चाइना में लॉन्च हो चुका है। एक है जेड ब्लू और इसके बाद ऑनिक्स ब्लू। इसमें आपको दो वेरिएंट कलर मिल जाते हैं, जो अभी चाइना में चल रहा है, और यही दो कलर आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इसकी कुछ डिस्प्ले की बात कर ले, तो आपको ये डिस्प्ले इसमें 6.53 इंच के फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले आपको मिल जाता है इसमें आपको देखने को। और इसकी आपको डिस्प्ले क्वालिटी अगर बात करें, तो इसमें 1080 HD है, और उसके बाद एंड्रॉयड 9P का आपको इसमें OS आपको डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड 9PS OS का आपको सपोर्ट इसमें मिल जाता है। और इसमें आपको प्रोसेसर की बात करें, तो स्नैपड्रैगन 675 का फीचर्स आपको स्नैपड्रैगन में मिल जाता है। इसमें प्रोसेसर 675, जो कि पहले तो सही था, अभी भी सही है। अब वो अपने हिसाब से उन्होंने प्रोसेसर डाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब लास्ट बात कर लेते हैं इसके कैमरे की। तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है रियल साइड में, और फ्रंट साइड में आपको एक कैमरा मिलता है। रियल कैमरा आपको 16 मेगा पिक्सल एक कैमरा मिल जाता है, एक कैमरा आपको 8 मेगा पिक्सल का कैमरा मिल जाता है, और एक 2 मेगा पिक्सल का ट्रिटली सेंसर के जो कैमरा होता है वो आपको मिल जाता है इसमें, और आपको फ्रंट में आपको 16 मेगा पिक्सल का कैमरा जो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको 4G में सपोर्ट करेगा ये मोबाइल, और आपको बस आपको जैक वगैरह सब मिल जाएगा इसमें, और हेडफोन वाला इसमें कुछ नहीं कटा गया है, इसमें सब चीज़ वो फीचर्स आपके एक एंड्रॉयड मोबाइल में होना चाहिए, वो सब चीज़ है। तो फ्रेंड्स, यही जो फीचर्स है जो आपको मैं बताना चाहता। तो फ्रेंड्स, इसकी अब बात कर लेते हैं इसकी लॉन्चिंग की।
तो भाई इसका लॉन्चिंग अभी इंडिया में कंफर्म नहीं है जो कब तक लॉन्च हो सकता है ये, लेकिन जनवरी से पहले ही लॉन्च होने वाला है, दो दिन चार दिन पहले लॉन्च हो जाए या फिर इधर ही हो जाए, लेकिन अभी इसका फिक्स अभी नहीं बताया कब ये जनवरी से पहले कब लॉन्च होने वाला है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दे, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, नहीं तो वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।